हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है कॉर्न कटलेट। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। ऐसे इवनिंग के टाइम पे हम इसको चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही क्विकली और इजीली बनता है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने दो स्वीट कॉर्न्स बॉईल करके उसको मिक्सचर में हल्का सा क्रश करके लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिए है दो मीडियम साइज़ के आलू, उसको बॉईल करके स्मैश कर लिया है। फिर हमें चाहिए दो ओनियंस, उसको फाइनली चॉप किया है। फिर हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट और कोरिएंडर लीव्स, जिसको हम धनिया बोलते हैं। फिर देखते हैं मसालों में क्या चाहिए। दो टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, फिर 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिरी का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स कर लेते हैं। तो जो स्वीट कॉर्न्स है उसमें मैं आलू डाल रही हूँ। फिर इसमें जाएगा ऑनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये कोथिंबीर, धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर मैं इसमें सारे जो हमने मसाले लिए हैं वो सब ऐड कर रही हूँ। आप सॉल्ट जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला लग रहा है, जो उसकी कटलेट अच्छे से बन नहीं पाएंगे। आपको चाहिए तो आप कॉर्न फ्लोर ऐड कर सकते हैं या फिर राइस फ्लोर ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड किया। अगर आपका मिक्सचर पतला नहीं है तो उसमें बेसन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके कटलेट बनाऊँगी। अब मैं सारे कटलेट बना लेती हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। अब मैं उसमें कटलेट डाल रही हूँ। इसको धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई करने देंगे। देख सकते हैं इसको कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। हमारे कॉर्न कटलेट रेडी है। इसको हम सॉस के साथ या पुदीना चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है और बहुत ही क्विकली बन जाते हैं। सो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।